हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप देख रहे हैं नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कई बंदे का कमेंट आता है कि नो सिग्नल प्रॉब्लम्स, कई चैनल पे नो सिग्नल बताता है, कई चैनल चलता है। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को आज मैं 100% सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम चल जाएगा इस वीडियो में कि आपको फ्रेंड्स, हम आ गए हैं टीवी स्क्रीन पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नो सिग्नल दिखा रहा है दोस्तों, और दिखा देते हैं आपको। ये टीपी ओरिजिनल है फ्रेंड्स, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये रिश्ते सिंप्लेक्स चैनल का टीपी है फ्रेंड्स। तो आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ, एक नंबर चैनल इस पे लगाकर देख सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर चैनल चल रहा है, लेकिन वो चैनल क्यों नहीं चल रहा है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि वो चैनल क्यों नहीं चल रहा है। आप ऑटो स्कैन करोगे तो भी ये चैनल नहीं चलेगा, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं चलेगा। आप ऑटो स्कैन करके फिर से आप एक बार ट्राई करके देख लेना, नहीं चलेगा। देख सकते हो ये जी अनमोल चैनल, ये भी चल रहा है दोस्तों। इस पर 27-28 सिग्नल है, ये भी चल रहा है, देख सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि मेरा सभी चैनल चले, तो आपको दिखा देता हूँ। एक नंबर चैनल चल रहा है, ये बंद, ये विद्या 12, ये भी नहीं चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे 12-13 सिग्नल दिखा रहा है, इसको कैसे ठीक करोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहे, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि आपको कैसे इसको ठीक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे MRD चैनल भी नहीं चल रहा है। सभी चैनलों को एक एक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिग्नल क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। 11-12, 8-9 दिखा रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे ये MPG2 रिसीवर लगा हुआ है मेरा, इसी का सिग्नल चेक कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम जो है ये छतरी के तरफ से है, तो छतरी को मूव नहीं करना है आपको। लाइव प्रूफ के साथ छतरी के भी पास हम जाकर आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको सेट करना है और कैसे मेरा सिग्नल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये वाला चैनल लगा लेना है, जो कि जिस पे सिग्नल नहीं आ रहा है वो वाला चैनल। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक नंबर दिखा देते हैं आपको चलाकर, देख सकते हैं एक नंबर चल रहा है और ये 122 नंबर चैनल नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये विद्या, ये टीपी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो चलिए छतरी की ओर चलते हैं, वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, हम छत पे चल रहे हैं और वहाँ पे मेरा छतरी लगा हुआ है, और वहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि कैसे सेट करना है। तो फाइनली हम आ गए हैं छतरी के तरफ, देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको इसको हिलाना नहीं है फ्रेंड्स, इस छतरी को आपको इधर उधर नहीं हिलाना है, केवल आपको ये LNB देख सकते हो, ये मेरा LNB लगा हुआ है और ये छतरी DD3D से प्रॉपर तरीके से सेट है, देख सकते हो यहाँ पे। ये DD3D पे सेट है पहले से ही, तो इसको छतरी को हिलाना नहीं है, केवल इसको देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे। तो आपको स्क्रू एंगल का पता नहीं है तो आप मेरे लेटेस्ट वीडियो पे आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैं LNB स्क्रू एंगल के बारे में बताया हूँ, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि कैसे इसको सेट करते हैं स्क्रू एंगल। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा जब भी आप सेट करते हो, मिस्त्री को आपको बुलाकर 250-200 रुपया नहीं देना है, केवल अपने हाथ से ही इसको घर पे ही ठीक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको रखना है, देख सकते हो, यहाँ इधर नहीं करना है, इधर करना है दोस्तों। यहाँ पर बैठ जाओगे और बाएँ की तरफ इसको नचाना है, तो कैसे नचाना है, ऐसे नचाना है, और यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देना है, देख सकते हो यहाँ पे हो गया है सेट। और यहाँ पे मेरा उस छतरी को मैंने नहीं हिलाया है, केवल ये LNB को इसके स्क्रू एंगल पे कर दिया है, जो कि DD3D का स्क्रू एंगल इतना रहता है, देख सकते हो आप वीडियो में, स्क्रू एंगल इतना ही रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी वीडियो छोड़कर मत जाइए, पहले लाइव प्रूफ के हम
साथ आपको दिखा देता हूँ कि मेरा सिग्नल सही हुआ है कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से हो गया है सेट, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स चलिए अब नीचे टीवी की ओर चलते हैं और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम सही हुआ है कि नहीं हुआ है। केवल हम छतरी को नहीं हिलाए, इसको केवल हम नचा दिया, देख सकते हो ये LNB को हम इसको नचा दिया है और इसी के कारण मेरा सिग्नल सेट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसको सेट किया है। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे वही टीपी है जहाँ पे हम दिखाए थे आपको, वही टीपी यहाँ पे लोडेड है। आप देख सकते हैं ये भी चैनल, सभी चैनल चलने लगा। आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये भी चलने लगा। और एक नंबर चैनल तो ये पहले से ही चलता है, दो नंबर भी चलता है, लेकिन ये वाला चैनल नहीं चल रहा था और MRD का भी चैनल नहीं चल रहा था। देख सकते हैं ये भी चलने लगा, देख सकते हैं 37-38% सिग्नल दिखा रहा है, देख सकते हैं आप। बहुत ही आसानी से मेरा सिग्नल सेट हो चुका है, देख सकते हैं सभी चैनल चल रहा है। यहाँ पे आपको और भी चैनल दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये सभी चैनल चल रहा है, नो सिग्नल प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक चैनल था, क्या नाम था उसका, हाँ ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे भी 35-36% सिग्नल दिखा रहा है दोस्तों, वो स्क्रू एंगल के कारण ही ये नो सिग्नल आ रहा था। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही सवाल कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, हम जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स।